डोगरी खबरें दे बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा तुहानू पेश इस वेले दी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जो लोकें दी ताकत कन्नै अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत दी स्थिति उभड़ी होई है। नमीं दिल्ली च अज्ज विद्यार्थी नेताएं दी कन्वेंशन युवा भारत नवा भारत गी संबोधित करदे होए श्री मोदी होरें आखिया जे रचनात्मकता विजन कोई जीवन नहीं है ते रचनात्मकता गी लोकें दी आसें मेदें गी पूरा करना ते राष्ट्र गी मजबूत बनाना लोड़चदा। श्री मोदी होरें आखिया जे रचनात्मकता ते नवीकरण लई यूनिवर्सिटी कैंपस कोला बेहतर थाहर होर कोई नहीं। उन्हें नौजवानें च कुशलता बधाने दा समर्थन कीता ते नौजवानें गी आखिया जे ओ आधुनिक भारत लई काम करन। उन्हें यह भी आखिया जे यूनिवर्सिटी चुनाई लई विद्यार्थी संगठनें दी तरफा कीते जाने वाले चुनाव प्रचार च साफ सफाई गी मता महत्व दिता जाना लोड़चदा। इस कन्वेंशन दा सरिश्ता स्वामी विवेकानंद हुंदी तरफा शिकागो दी विश्व धर्म संस्था च दित्ते गए भाषण दे 125 बरे पूरे होने पर कीता गया हा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह होरें गलाया जे जंदे किश बरें दे मुकाबले कश्मीर घाटी दे हालात च सुधार आया है। एह्दे कन्नै गै उन्हें हर उस व्यक्ति कन्नै गल्लबात करने दी इच्छा जताई है जिहड़ा कश्मीर मामले गी सुलझाने च मदद करना चाहुंदा है। घाटी च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होए श्री सिंह जिहड़े जम्मू कश्मीर दे दौं दिनें दे दौरे पर आए दे न होरें आखिया जे कश्मीर मसले दा स्थाई हल सानू भूती गल्लबात किट्ठे रलियै रौहने विश्वास ब्हाली ते स्थिरता च है। बक्खवादियों ते सरकार बशकार गल्लबात कीते जाने पर पुछे गए सवालों का परता देंदे होई गृहमंत्री होरें गलाया जे जो कोई भी गल करना चाहता है अगड़ावा है। उन्हें आखिया जे सरकार उस कुसै भी हितधारक की बाहर नहीं रखना चाहती है जिहड़ा गल्लबात की प्रक्रिया च शामिल होना चाहता होगा। विश्वास के साथ कह सकता हूं कश्मीर के हालात को देखने के बाद मैं भारत और दुनिया के सारे जितने टूरिस्ट हैं और जितने टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कश्मीर के लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के लोग फिर से इस कश्मीर को जन्नत बनाना चाहते हैं। कश्मीर घाटी के जिला कुलगाम च जंदी राती सुरक्षा बलें हिजबुल मुजाहिदीन के दौं मुकामी आतंकवादियों की मारी मकाया। जम्मू कश्मीर पुलिस मुताबक इलाके च आतंकवादियों की मौजूदगी के टकोदी सूह थ्होने उपर सुरक्षा बलें घेराबंदी करिए तलाशी अभियान चलाया। अभियान दौरान आतंकियों सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चलानिया शुरू कर दित्तियां जिहदे चलदे सुरक्षा बलें ते आतंकियों विचकार टाकरा लगी पिया ते इहदे च दौं आतंकी मारे गए। टाकरे वाली थारा पर आतंकवादियों की मदद करने वाले एक व्यक्ति की भी हिरासत लैता गया। मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त कुलगाम के रहने वाले दाऊद लोन ते सैयार वानी के रूप च की गई है। प्रदेश भाजपा के पट्टी दर्ज जाते ने मोर्चे के अध्यक्ष ते विधायक डॉ दविंदर मनियाल होरें अज परमंडल ब्लाक के मढ़ाणा ग्रां थवां सांधी ग्रां तोड़ी की शिड़क का निर्माण काम शुरू करवाया। एदे पर 1,71,00,000 रुपए की लागत आउग। इस मौके पर बोलते हुए विधायक होरें आखिया जे रियासता की पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के जतने कारण विकास स्कीमें की समय सिर पूरा करने च तेजी आई है। उन्हें लोगों की अपील की जे ओ अपने अपने इलाकों च चला करते विकास कामें के म्यार पर तक रखन। एदे परंत विधायक होरें मांगे नाल ग्रां की राबता शिड़क का निर्माण काम भी शुरू करवाया। 1,71,00,000 का हमारा ये काम है, ये आज अभिनंदन की शुरुआत की है, बड़ा ही मुबारक का दिन है। रियासी दे जिला विकास कमिश्नर रविंद्र कुमार होने पौनी पंचायत हल्के की अज रस्मी तौर पर खुले च शौच थमां मुक्त पंचायत घोषित किया। श्री कुमार होरें यह घोषणा पौनी के तहसील मुख दफ्तर पर लुआए गए एक समारोह च की। इत्थे यह गल दसना जरूरी है जे रियासता च खुले च शौच थमां मुक्त बनाए गए सबने कोला पहले ब्लाक रियासी दे बाद पौनी ब्लाक भी इस भेठा च तेजिया कन्नै अग्गे बधा करदा है। इस मौके पर बोलते हुए जिला विकास कमिश्नर होरें जिले के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ मलिक ते पौनी के तहसीलदार राजेश बड़ू ते उनकी सारी टीम के अलावा मकामी लोगों की भी इस शानदार उपलब्धि पर मुबारकबाद दी। जिला रियासी के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र कुमार होरें अज डीसी दफ्तर के परिसर च बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नींह पत्थर रखा जिहदा निर्माण जेकेपीसी की तरफा कराया जाग। निर्माण परंत यह अधिकारियों लिए खेडें का एक मुख्य केंद्र बनी जाग। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर होरें आखिया जे खेडां शख्सियत के विकास का एक अनत्रुट हिस्सा ते कामकाज आले वातावरण च इंदा बड़ा मता महत्व है।
कठुआ के शीतल नगर च शराब की दुकान खोले जाने का मुकामी लोगों विरोध किया। इस मौके लोगों प्रशासन खिलाफ नारे लाते हुए आख्या जो प्रशासन की तरफा इस इलाके कथित तौर पर शराब दऊं दुकाना खोलिया जा कर जिदा पूरी चाली विरोध करगन। महिलाएं भी एदा विरोध किया। लोगों का भी गलाना है कि जिथे शराब की दुकान खोली जा करती है उदे नेड़ा गए मंदिर भी है ते मस्जिद भी। उन्हें मांग की प्रशासन अपना फैसला वापस लै। डोगरी खबर के इस बुलेटिन बस इन्ना गया। आगे आदि नमस्कार।